नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद योम वास शास्त्री। मित्रों, बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास कुंडली नहीं होती है। मन में बड़ी निराशा होती है कि सब लोग अपनी कुंडली दिखाकर देख लेते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कैसे वो एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो नौकरी चाहते हैं और उनकी कुंडली नहीं है और अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो उनको आज हम हस्तरेखा के माध्यम से बताएंगे कि कैसे वो अपने हाथ को स्वयं देखकर जान सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला विषय यह है कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि ज्योतिष के अनुसार सूर्य जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं। सूर्य अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो उनको सरकारी माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। नौकरी के मूल कारण कारक होते हैं शनि। जिसकी कुंडली में शनि और सूर्य का अच्छा सामंजस्य बनता है या योग बनता है या इनका दशम से संबंध मिलता है, उनको सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन अब पॉमिस्टी में कैसे इस चीज़ को देखा जाए, तो मित्रों आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये आपका हाथ है तो इस बीच वाली रेखा, बीच वाली उंगली से एक रेखा इधर आती है जिसको शनि उंगली या भाग्य की उंगली बोलते हैं, और वहीं पर इस उंगली के नीचे एक रेखा आती है जिसको सूर्य उंगली बोलते हैं। तो जिन लोगों की हथेली में यह रेखा पाई जाती है तो उनके भी चांसेस रहते कि उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। एक प्रतीक और है जो हम आपको बताएं। ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, ये जब फर्स्ट फिंगर रिंग फिंगर की इस पोर से ऊपर चली जाती है या इसको लगभग बराबर छूती रहती है या इससे ऊपर जाती है, ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब बात उठती है कि और कैसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, कब कैसे जाना जाए कि जॉब प्राप्त होगी। देखिए, ये जो आपकी रेखा होती है इसको जीवन रेखा कहा जाता है। इससे पतली पतली रेखाएं जो ऊपर की तरफ निकलती हैं, जब वो शनि या सूर्य पर्वत पे जाती हैं तो वो रेखाएं, जैसे यहाँ से रेखाएं ऊपर निकलेंगी, ये रेखाएं जब जाती हैं और वो शनि और सूर्य पर्वत पे मिलती हैं, उसी आयु में जातक को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होते हैं। साथ में मैंने एक लक्षण अनुभव में देखा है कि तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत पे जब क्रॉस का निशान होता है, यह भी बताता है कि जातक को सरकारी माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, ये दो तीन जो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, सबसे पहले सूर्य रेखा, फिर शनि रेखा, साथ में ये जो लिटिल फिंगर है रिंग फिंगर के ऊपरी छोर को छूना चाहिए और तर्जनी के नीचे क्रॉस का निशान होना चाहिए, ये तमाम ऐसे प्रतीक हैं जो बताते हैं कि जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। ऐसे अगर आपको सरकारी नौकरी की बड़ी लालसा है तो भगवान सूर्य की उपासना आप करें तो आपको, भगवान चाहेंगे तो आपको अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन के लिए जो लोग परेशान हैं, चाहते हैं हमको प्रमोशन मिले, वो भी सूर्य की उपासना करें तो उनको भी प्रमोशन प्राप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया। मित्रों, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है या पॉमिस्ट्री सीखनी है या वास्तु के बारे में जानना है या सीखना है तो हमारे यहाँ क्लासेज चलती हैं। आप दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बातचीत करके क्लास ले सकते हैं। नमस्कार, सिद्धार्थ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।